आपके साथ थे, 10 साल से साथ थे या आखिरी 2-3 सालों में साथ थे, हम सबरों के लिए वो काबिल एहतराम है। और उसमें मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर उनमें मुझे 5-7 चेहरे नज़र आते हैं तो उनमें जहांगीर खान तरीन एक बहुत नुमाया चेहरा था। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे तरीके इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, उनके लिए दिन रात काम किया था, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और जो लॉयल लोग होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है, वो पीछे चले जाते हैं। और हम में से किसी को कोई अफसोस ना होता अगर आज हमें लगता कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, अगर आज वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नज़रअंदाज होने का कोई दुख ना होता। लेकिन आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके की जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, पीटीआई के मुखलिस कारकुनों को और पीटीआई को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। और हमारी आज भी आपस में यही बात हुई है कि हम सब जो इस तहरीक का हिस्सा थे, जो इसके लिए मुखलिस थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, ये हम ख्याल दोस्तों का एक ऐसा गुलदस्ता है, उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी ना किसी मरहले में इस तहरीक में फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। जहांगीर खान तरीन इंशाल्लाह खैरियत से वापस आएंगे और इसी जो हमारा गुलदस्ता बनेगा उसमें आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा एमपीएस को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पे तशवीश का शिकार है। और हमारी आज भी ये कोशिश है कि हम सारे जितने तहरीके इंसाफ में ग्रुप्स हैं उन सबको यकजा करें, उनको इकट्ठा करें। हम सारों ने मेहनत की है, कोशिश की है एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में, और हम उसके लिए जब आज उस जद्दोजहद को रायगा जाते देखते हैं तो हमें इसका दिली अफसोस होता है। अच्छा, मेरे लिए आखिर में मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, वो तमाम दोस्त जिन्होंने पीटीआई के लिए वोट दिया, कि हमारी आखिरी वक्त तक कोशिश है कि हम पीटीआई को मजबूत करें, मुत्तहिद करें। जहांगीर खान ने इसके लिए, इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी पार्टी, ये हम सब की पार्टी है, ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है, इस सब के लिए हमारी खून पसीना लगा है, और हम इसके मुत्तहिद करने के लिए हम सारे इकट्ठे होंगे। और इस वक्त जितने ग्रुप्स हैं, पीटीआई में भी जितने ग्रुप्स हैं, उनको भी मैं आज गुजारिश करता हूं कि हमें अपने पार्टी को बचाने के लिए इकट्ठे होके मुत्तहिद होके कोशिश करनी है, और इंशाल्लाह हमारे साथ। अलीम खान साहब के फरमाइएगा,
कि आज का ये जो हम ख्याल ग्रुप है ये इमरान खान साहब के खिलाफ है या फिर उस्मान बोजदार साहब के खिलाफ है, उनकी गवर्नर्स के खिलाफ है, करने क्या जा रहे हैं जी? हमने कैसे आप इस गवर्नर्स को तजवीज क्या देते हैं, कैसे ठीक होगी इसका? हम सब खान साहब आएंगे, मशवरा करेंगे और उसके बाद हम ये फरमाइएगा कि हुकूमत इस वक्त जो है वो तरीके अदम एतमाद का मामला है। हुकूमत जो मुल्की सियासत है उसमें हलचल है। क्या आप समझते हैं कि आपने भी मेहनत की नए पाकिस्तान के लिए और दीगर लोगों ने भी मेहनत की, क्या इस वक्त जो सूरत हाल है आप तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे या अपोजिशन के साथ जाएंगे? देखिए सर, इसमें ये ऐड करना है कि आपको वजीर आला की शेरवानी नहीं पहनाई गई, क्या इस वजह से आपने तहरीक इंसाफ से निकलकर इस ग्रुप को ज्वाइन किया है? मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि मैं इस तहरीक का हिस्सा रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ दिन रात उस जद्दोजहद में गुजारे हैं और वो इसका मुशाहिदा करते रहे हैं। किसी हुक्मरान के खिलाफ जबकि वो पूरा पावरफुल हो, उसका वज़ीर आज़म भी हो, वज़ीर आला भी हो, उसके खिलाफ लाहौर शहर में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। और हमने वो टाइम गुजारा है और बड़ी जवां मर्दी से गुजारा है, बड़े हौसले से गुजारा है। किसी ना उदे के लिए गुजारा था ना किसी गर्ज के लिए उतारा था, हमने वो जो टाइम गुजारा था वो एक जज्बे के तहत गुजारा था। और वो जो लोग उस तहरीक में शामिल हुए थे वो किसी सीट के लिए या किसी उदे के लिए शामिल नहीं हुए थे, वो वाकई एक नए पाकिस्तान के लिए शामिल हुए थे। और आज अगर हमें मायूसी होती है तो इसलिए नहीं होती, मेरे ख्याल में जो सीएम के पास पर्क्स हैं शायद मेरे ज़ाती तौर पे उसके मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो उनके पास सरकारी जहाज़ है मेरे पास उससे बेहतर जहाज़ मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने सीएम बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी और हम उस उम्मीद के लिए हमने दिन रात कोशिश की। सबसे अहम बात यह है कि आपने सियासत में बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया, इससे तो किसी को कोई नहीं है, लेकिन फिर आप मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। आजकल आप मुकम्मल खामोश थे, क्या आप आइंदा सियासत में अपना सियासी किरदार अदा करेंगे या खामोशी ही इख्तियार करेंगे? देखिए हम सब ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे भी दोस्त इसमें मौजूद हैं जो मैंने पिछले चार दिन उनके साथ मीटिंग्स की हैं, तो सारों की मशावरत के साथ ही मैं फाल हुआ हूं। और मैंने फाल होने का फैसला इसलिए किया है कि हमारी पार्टी को आज जिस मसाइल का शिकार हैं हम और जिस तरह की तब्दीली हुकूमतों में आ रही है उसमें शायद जो हमारे सिंसियर दोस्त हैं पीटीआई में उनको फाल होना पड़ेगा और इसी के लिए मैं आज फाल हुआ हूँ और इंशाल्लाह ताला मेरा जो किरदार होगा वो मैं जरूर निभाऊंगा। खान साहब ये बताइएगा कि अगर आपको अगर एतमाद आती है तो हम सब मिलके उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ।